ओम नमः शिवाय। आज मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी की कुंडली लेके आया हूँ। ये इन्फोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं। इनका जन्म 12 मई 1980 में हुआ। इनकी जन्म का समय एग्जैक्ट ना होगे, चंद्र कुंडली के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि ग्रहों की दशा क्या है, ग्रहों की पोजीशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा तो वर्गोत्तम है, मीन राशि में बैठे हैं, गुरु के घर में, और गुरु लग्नेश हैं और कर्मेश भी हैं। कर्म के भी स्वामी है, लगन के भी स्वामी है, और छठम भाव में बैठ गया। छठम भाव रोग ऋण शत्रु का, कंपटीशन का, चुनाव का है, चुनाव वाले वाले भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को। धनु राशि है, धनु राशि में दृष्टि पड़ रही है, अपने घर को दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म मजबूत हो रहा, राज का भाव मजबूत हो रहा, चुनाव से राज का भाव मजबूत हो रहा। और लग्नेश है तो पूरे जीवन में इसका प्रभाव पड़ रहा। साथ साथ देखेंगे शनि बैठे हुए हैं और अपनी सातवीं दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, अपने घर को। तो ये व्यय का विदेश का भाव है, चुनाव से व्यय विदेश का भाव मजबूत हो रहा है शनि के कारण। साथ साथ मंगल बैठे हुए हैं, मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, भाग्य स्थान में, धार्मिक स्थान में वो मजबूत हो रहा। तो तीनों ग्रह बृहस्पति, मंगल और शनि तीनों अपने ही घर को दृष्टि कर रहे हैं और तीनों जो है चुनाव भाव में बैठे हैं। साथ साथ राहु जहां बैठे हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, तो राहु और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहां का इनका जो छठम भाव है जो कि चुनाव का, ये काफी स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि सिंह राशि है, सिंह राशि में मंगल बैठे हुए हैं, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल के घर में। मतलब कहने का मतलब है द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं मंगल सूर्य के घर में, और छठम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य मंगल के घर में, एक दूसरे के घर में स्थित होने के कारण यहाँ राशि परिवर्तन हो गया। द्वितीय भाव से चुनाव का भाव काफी मजबूत हो गया। द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का, धन का होता है। चुनाव का भाव काफी मजबूत हो गया और यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं और बुध भी बुद्धादित्य योग बन रहा है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग के कारण सूर्य उच्च के हैं, तो द्वितीय भाव इनका काफी स्ट्रांग है और राशि परिवर्तन है। और देखिए यहाँ पे शुक्र जो है कर्म भाव में दृष्टि, गुरु की भी कर्म भाव में दृष्टि, मतलब दोनों गुरुओं की दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही, तो कर्म में भाव राज का भाव काफी स्ट्रांग है। और देखिए क्या है कि इनकी जो है अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसके बाद अंतरदशा गुरु की है, तो समय भी अच्छा है, इसीलिए इन दशाओं के कारण, इन ग्रहों की पोजीशन के कारण ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी ऋषि सुनक जी की कुंडली के बारे में। धन्यवाद।